आज फिर लखनऊ में भूकंप के झटके लगे हैं, जिसकी दहशत में लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अपने अपने ऑफिस से निकल करके लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये इस सप्ताह का दूसरा ये झटका है भूकंप का, जो आज फिर लोगों को महसूस किया है। राजधानी लखनऊ में भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग डर के मारे अपना ऑफिस छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। आप लोग ऑफिस छोड़ के बाहर आना पड़ा? बहुत तेज भूकंप का झटका महसूस है, इसलिए हम लोग ऑफिस छोड़ के बाहर आ गए, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है ना। हफ्ते में दोबारा ये भूकंप आया है। हाँ जी, डर है लोगों में कितना? बहुत ज्यादा डर है। कुछ बच्चे रो भी रहे हैं वहाँ पे, उससे जाके इंटरव्यू लीजिए, वो बहुत रो रही है। नेपाल में जो तबाही हुई है उसको लेकर के नेपाल में भी बड़ी तबाही हुई है और इधर एक हफ्ते में दोबारा भूकंप है, डर है तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी देखे तो इतनी जल्दी जल्दी अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर लोगों का कैसे डर कम होगा, और बढ़ता ही जाएगा। सर क्यों ऑफिस से बाहर आए आप लोग? बिल्कुल सर, डर की वजह से, डर का माहौल है, देख ही रहे हैं आप, सारे लोग बाहर आ चुके हैं, तो ये जाहिर सी बात है दहशत है। नेपाल का चीज़ें देख ही रखी हैं, तो उस चीज़ का भी हम लोग को थोड़ा सा डर लगा हुआ है। और मेन ये भी कि कैसे फोकस होगा, जब डरे हुए हैं तो कहाँ फोकस होगा, जाहिर सी बात है नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल फील हुआ परसों में, रात में आया था, मेरा बेड हिलने लगा था। हाँ, फिर मैंने, हम लोग भी बाहर भागे थे, नेपाल में बहुत तेजी से भूकंप आया था। आज भी भूकंप आया है और हम लोग ऑफिस से नीचे, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है ये, बहुत महसूस किया आप लोगों? हाँ, बहुत महसूस, डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग भूकंप के झटके से ऑफिस छोड़कर लोग बाहर आ गए थे, अभी फिर एक बार ऊपर जा रहे हैं। लोगों को कहना है कि दो दिन पहले जो भूकंप आया था उसी की दहशत में लोग जी रहे हैं, उसके बाद फिर एक बार भूकंप आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर जरूर बना हुआ है। ब्रजेश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।